वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू लड़ चैनल। मैं नवान कर आप देख रहे हैं मान के लड़ चैनल। खेलने वाले भाई भाई एसएमपी के अंदर, हाँ भाई भाई एसएमपी के अंदर, और ये होने वाली बहुत ज़्यादा क्रेजी एसएमपी। एक प्राइवेट एसएमपी जिसमें मैं देखा था बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे खेलते हैं, और जैसे कि हम लोग देख रहे हो यहाँ पे अपना कोई घर बना रहा था। कौन पता नहीं मेरे को, ये घर है मेरा, मैंने इसको बनाया था बट वीडियो का मन पूछना बस। तो मैंने इसको बनाया था, और अब जो हमारी एसएमपी है ना इसमें हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है फूडी। तो आज हम बनाने वाले फूड फार्म, बेसिकली वीट फार्म बनाने वाले, क्रेजी लेवल पे बनाने वाले हैं लेकिन वीट फार्म को। और बहुत टाइम बाद मैंने एक बहुत तगड़ी एसएमपी स्टार्ट करी है, तो अपना लव एंड सपोर्ट इस एसएमपी में दिखाते रहना। इस एसएमपी को बहुत तगड़ा बनाऊंगा, मेरा घर मैंने बनाया तो ये टेम्परेरी, ये घर दिखाने के लिए मैं अपने लिए और घर बनाऊंगा अभी, ढंग का बनाएंगे थोड़ा, जिसमें स्टोरेज वगैरह होगी। इसमें स्टोरेज नहीं है बस ये सब दिखाने का है। अभी मेरे को पहले अपना फूड ले लूँ, मेरा ये कोल, ये तो मैंने किसी और चीज़ के लिए मैन करके रखा, बट हाँ ये हमारे काम आएगा, जल्दी काम आएगा। इसका भी बहुत तगड़ा वो है, स्टोन बहुत सारा वो है, बट आज जो मेरे को मेन चीज़ चाहिए वो है डर्ट। डर्ट ऐसे इसमें जिसमें तो कम है, मेरी जितनी हुई डर्ट है यहाँ पे किसी और की डर्ट भी रखी है। ये बगल वाला घर यहाँ पे किसी की चेक करा था तो इसमें भी डर्ट और स्टोन है, किसका आए देख लेंगे। इसमें भी काफ़ी डर्ट है, बट मैंने जब इस एरिया को प्लेन करा था अपना घर बनाने के लिए तो मैंने बहुत सारी डर्ट माइंड करी थी, और वो डर्ट रखी है मैंने हमारे टाउन हॉल के अंदर। और मैं तुम लोगों को एक बार टाउन हॉल में दिखा देता हूँ, जिन लोगों ने हार रील देखी है उन लोग को पता है सब इस चीज़ें, तो वो ये दिखाता हूँ। ये मैंने बहुत सारी माइंड करके रखी है इसकी, तो सोच रहा हूँ मैं मेरा रिस्पॉन्ट मेरे घर में सेट था इधर बैठा हुआ। अभी जो सब चीज़ें वो बनाएंगे, मेरे को बनाने के लिए लोकेशन डिसाइड करनी होगी। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, देखो इधर सबके बेस वगैरह सब बनाएंगे, जो इस साइड में है ना इधर अपोजिट में इस साइड बना देते हैं, यहीं पे यहीं पे, या फिर थोड़ा इधर इधर उधर थोड़ी जगह चाहिए, इधर की साइड बनाते हैं हमने सारे फार्म, उधर के लिए अपना आयरन फार्म भी बना देंगे। तो ये होगा फिलहाल जगह डिसाइड। और ये शुगर केन मैंने एक प्रोजेक्ट फिलहाल से रखा हुआ है, वो तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बदल जाएगा। मैंने क्यों रखा हुआ है, मेरे को शुगर केन चाहिए बहुत सारा, मतलब लिटर बहुत सारा, मैं उस टाइम पे सारा तोड़ दूँगा यहाँ से, मेरे शुगर की भी नीड पड़ी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, वो तुम नेक्स्ट एपिसोड में देखना मुझे क्यों पड़ी थी शुगर की। बस तो शुगर गेन से तुम लोग समझ ही गए होंगे, जो लोग खेत के माइनक्राफ्ट उन लोग समझ गए होंगे, काफ़ी सही से शुगर गेन वगैरह से मिल जाता है। तो इसको कर लो, और इधर भी अभी ये तोड़ लेता हूँ, सभी तोड़ लो थोड़ा देर वापिस की दिक्कत है नहीं, रात हो गई सोने चलता हूँ उससे पहले। चलो चलो चलो, और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे हमारा अल्टीमेट वीट फार्म, लेट्स गो। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ से लेंगे मैंने बहुत सारी वीट, जितनी सारी लेता हूँ मैं वीट के रिटर्न, और मेरे को सीड चाहिए बहुत ज़्यादा, सीड मेरे को नीड पड़ेगी, मैंने सीड इकट्ठे करके रखे ही हैं। तो आपकी सीट तो हम बाद में भी कर लेंगे, ऐसे कोई बड़ा इशू सीट के साथ तो आएगा नहीं। अब जो दूसरी चीज़ है वो है कि हमें आयरन चाहिए, आयरन और रेड स्टोन चाहिए, तो उसके लिए हमें नीचे माइनिंग में जाना पड़ेगा। एक सेकंड, मारा किसने में हवा में तीर उड़ा दिया, पता नहीं क्या हुआ है, छोड़ो उसको। तो हमें माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा, मैंने जो एरिया करा मुझे यहाँ पे एक भी लिटरल एक भी आयरन नहीं मिला, दीप सी चीज़ है, मतलब आयरन को दीप से मिल जाएगा और मिला नहीं, तो उसकी कोल लेता, कोल भी मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए वाइड करा है, वो सब तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ज़्यादा कोल वेस्ट नहीं करना, हमें बाद में दिक्कत होगी करना। अभी मैं तो माइंड से देखता हूँ और घुस जाता हूँ, मैंने अब तक आयरन वगैरह माइंड कर रहा नहीं है। गैस 5-10 मिनट दो, मैं कोई तो माइंड हूँ उसमें आयरन ले आता हूँ। तो मैं फाइनली आयरन लेके आ चुका हूँ नीचे से, एक बार तो ऑलमोस्ट फर्स्ट समझ हो जाता था। फूड मेरे को अभी दोबारा थोड़ा सा स्मेल्ट करना पड़ा, ऊपर एक ही पिक मिला उससे इतना ही मिल पाया मेरे को, और मेरे को मिल चुका था लेकर आयरन मेरा भी मिला, और काफ़ी जितना था मेरे को चाहिए था उतना मेरे को मिल गया, इसकी दिक्कत आई नहीं। अभी हमें अपना बिल्ड बनाना स्टार्ट करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले रहो मेरी क्राफ्टिंग टेबल नीचे ही रह गए, देखो आधा तोड़ के छोटा सा है यार ये लोग, एक तो ओ इधर, ओ इधर रवीन है क्या, नहीं मेरे को लगा रवीन है, रवीन नहीं है,
तुम्हारा स्क्रोल वाला था दिक्कत कर रहा था, मुझे तो गुस्सा आता है उसको एंगल में, लोग बुला सकता है बट स्टिल ठीक है, पूरे नहीं कर सकते। थोड़ा चलते हैं इधर को, इधर 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 थोड़ा ही रेप लेट भी कर लेंगे आज, इसी लिए तो चलेगी। तो अभी सबसे पहले इधर रखते हैं ये को, ये हमने बना दी, ये आ गई कंफर्टेबल, कभी जगह से जाता कभी टिक जाता। तो इधर को हाँ बस अब हमको एक क्वार्टर और फिट चाहिए, एक ये दो, क्योंकि हमको वहाँ पे वाटर की जरूरत भी पड़ेगी। और ये लो मैंने वाटर फिट बनाएंगे, मेरे को याद नहीं रहा। तभी मैं काम करता सबसे पहले बनाना शुरू करता है, मैं इसको 4x4 बनाऊंगा। तो हमें नीचे चेस्ट वगैरह के लिए स्पेस छोड़नी है, तो एक और इधर मतलब इस पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपना यहाँ से शुरू करना, ठीक है, 1 2 3 4, फिर एक का स्पेस 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर एक का स्पेस, फिर 1 2 3 4। ओके पहले बुरा तो मैं उसको जाना पड़ेगा, 4x4 का बनाऊंगा, ऊपर उठा कर जाऊँगा। मेरा स्टेयर केस फार्मिंग करेंगे बेसिकली, जो स्टेयर केस वाला बनता है वो सही रहता है, उसमें काफ़ी सही सामान मिल जाता है हम लोग को। तो ये हो चुकी है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। इधर एड बनाएंगे तो सही है, और मेरे को दिक्कत उसके लिए आएगी हॉपर वगैरह के लिए, बट कोई बात थी। अब भाई गेम लैग करके देखो, 7 का बनाना होता है जितना मुझे याद है, तो फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्या यार होता है भाई, तो ये इशू आज पहली बार सर्वर में आया, इतना गंदा इशू कैसे आया मुझे समझ नहीं आ रहा, नेट का इशू आया आज कुछ का वो प्लान तो मैं समझ नहीं सकता था, तो मैं इसको क्योंकि मेरे को देखना ही तो पड़ेगा ना। अगर ऊपर से आता है पानी तो 7 पर होता है, पर मेरे को उसके लिए एक बार इसकी बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी। बाउंड्री के लिए डर्ट यूज कर रहा हूँ, ये स्टोन यूज कर रहा हूँ, कॉबलस्टोन ठीक है, कॉबलस्टोन यूज कर रहा हूँ। ये तोड़ो, दिखाने के लिए हो गया गाइस, ठीक है देखो दिखाने के लिए हो गया ठीक है, बट सब तो वर्क कर रहा है, ढंग से प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं यहीं आके दबा दूंगा एक बार, फट जाता अभी, बच गया बस। अभी नीचे जाके कलेक्शन सिस्टम और उधर का एरिया ठीक करना है, बाकी इसको एक्सटेंड तो मैं कर ही दूंगा एक एक ब्लॉक बाद में, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। पर पानी यहाँ कहाँ तक रहा है,
लीवर बनाना चाहिए। बटन, अबे यार क्या है, तो गड़बड़ हो गई गाइस। मैंने सपना ये बनाया और ये सपने दिक्कत आएगी, मुझे लगा ही था यार पहले वो कर लेना चाहिए, बट स्टिल आई डिड डू। तो अभी काम बढ़ेगी, तो सारा एक तोड़ दे सकते हैं, सपना तोड़ के पीछे करना पड़ेगा क्यों, सभी में दिक्कत करेगा ना फिर। वैसे इतनी दिक्कत भी नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये लोग हो गया यहाँ पे कैसे बोल ऐसे। तो सीट्स तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में प्लान कर लूंगा, इसको दिक्कत है नहीं, सीट्स की तो सीट्स है भी नहीं है, तो बट स्टिल आई थोड़ा तो कोई होगा। बस नीचे करप्शन सिस्टम आ जाएगा, सही है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। बस अभी नेक्स्ट एपिसोड में रिपीटर, एक रिपीटर से मेरा वर्क काम शायद हो ही जाएगा, बट वी डिड इट। इसको तोड़ लो पूरे, चलो एक पूज दो मेरे को, वी गॉट दैट। चलते हैं सीधा ऊपर, क्लोजर सीट लेकर नंबर में अंदर हो, एक लीवर लगाना पड़ेगा, सब सेट हो गया। तो भाई गाइस आज के लिए तो बच्चों के बारे में सकती वैसे थोड़ा वो बना, मतलब थोड़ी दिक्कत दिक्कत है, बट डोंट वरी मैं इसको सब नेक्स्ट वीडियो तक बेटर सॉल्व कर दूंगा। देखो जो चीज़ें नहीं हो सकती वो सब नहीं कर सकता मैं, जैसे इसका वो नहीं कर सकता, ये हो गया सीट में हैरी होने में लगा था। तो गाइस आज छोड़ के लेता है, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो ऐसी लगी तो कमेंट जाके बता देना, भाई वैसे भी क्रेजी क्रेजी वीडियो लेके आऊँगा मैं, नेक्स्ट एपिसोड देख सो जाओ, नेक्स्ट एपिसोड में जो क्रेजी चीज करने वाला हूँ वो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी होने वाली है, और एक तो मेरे ऐसे क्रीपर क्रीपर घूमता रहता है। तो थैंक यू सो मच कर रहा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए इतना है, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।